हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास गाइज यहाँ पे एक बार फिर से सैमसंग का फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फ़ोन कम्प्लीटली न्यू फ़ोन है और इसी कंडीशन में हमारे पास रिपेयर में आया हुआ है। और इसके अंदर जो गाइज प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल ही डेड कंडीशन पे ये हमारे पास फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है। ठीक है, बात करूँ मॉडल की तो यहाँ पे A13 लाइट यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो गाइज आज के जो वीडियो है वो कम्प्लीट देखिए। आज के इस वीडियो के अंदर इसमें जो प्रॉब्लम है, डेट की प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है फ़ोन के ऊपर, किस वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, उसको हम आज के इस वीडियो के अंदर रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये USB चार्जर है जो कि फिलहाल यहाँ पे कनेक्ट है, तो और यहाँ पे इनका ढक्कन ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, 6 पोर्ट वाला चार्जर हमारा लगा हुआ है। इस कंडीशन पर फ़ोन को हम लगा देते हैं चार्जिंग। देखो, मैंने यहाँ पर चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाने के बाद यहाँ पर 4 नंबर पोर्ट के ऊपर यहाँ पर 1.1 एम्पेयर हमारा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, सीधा लगाते ही 1.1 जो एम्पेयर है वो कंज्यूम हो रहा है। एक बार मैं इसको निकालता हूँ, फिर से यहाँ पे लगाता हूँ और देखो सीधे ले लेगा। ठीक है, देख सकते हो सीधे 1. मतलब सीधा जो है ना, सीधे हमारा एम्पेयर कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, किसी डिवाइस को, नॉर्मल डिवाइस को जब आप लगाओगे फ़ोन के ऊपर तो सीधा उतना नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम से फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली 1 एम्पेयर उसके बाद 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है और सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में तो इस कंडीशन में फ़ोन हमारा चार्ज होता है। ठीक है, बट अगर इसमें देखो कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा है, कोई लाइट कोई वाइब्रेट नहीं है। ठीक है, बात करूँ गाइस फ़ोन की तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरीके से मैं अगर टच कर रहा हूँ, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस USB चार्जर के ऊपर इस तरीके की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार अगर हम इसको DC मशीन के साथ ऑन करते हैं, वहाँ पे किस तरीके की कंडीशन बनती है वो भी यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास भी रिपेयर में आए। ठीक है, तो आपको भी जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड पहले से माइंड में रखना है, प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। वैसे तो इस ये तो एक इंडिकेट हो रहा है फ़ोन का कि ये फ़ोन जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको तो कम्प्लीटली दिखा नहीं सकता फ़ोन कितना हीट हो रहा है, जब आप हाथ लगाओगे, केन है इसके अंदर, IC है, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। कहाँ पे हीट हो रहा है, ऊपर नीचे ये सब पे पूरा जो है वो मदरबोर्ड हीट हो रहा है। कौन सी चीज़ हीट हो रही है वो कन्फर्म यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं आपको DC मशीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे कम्प्लीटली आपको प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ पे पूरा कम्प्लीट दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको साफ दिख रहा है 4 एम्पेयर मैंने सेट किया हुआ है, और इसी कंडीशन पे अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूँ तो बैटरी लगाने के बाद कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं है। यहाँ पे मैं बैटरी को कनेक्टर को मैंने पकड़ा हुआ है, कुछ भी कंज्यूम यहाँ पे नहीं है। बात करूँ इनकी ऑन ऑफ वाली की तो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है जो कि अभी के ज़्यादातर फ़ोन में आता है। देखो आप एक बार DC मशीन के ऊपर गौर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इसको चिमटे के मदद से इनके पावर की को स्विच को शॉर्ट करने वाला हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे मैं अभी इनके पावर की को शॉर्ट करता हूँ। देखो गाइस, मैं एक बार फिर से यहाँ पे, थोड़ा दिख नहीं रहा मेरे को, फिर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं एक बार यहाँ से देखता हूँ। देखो गाइस, जैसे मैंने इनकी पावर की को प्रेस करा तो अब देखो कि सीधा ये यहाँ पे 1.1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। मैंने इनके पावर की को प्रेस किया हुआ है, अभी जैसे मैंने इसको रिलीज़ करा तो ये 0.0 हो गया और ये 1.1 एम्पेयर कंज्यूम करा और यहाँ पे ये फ़ोन भी हीट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे कि USB चार्जर में हो रहा था 1.1 एम्पेयर ऑटो कंज्यूम हो रहा है, इसी तरीके से हमारे DC मशीन पे भी हो रहा है। एक बार फिर से मैं इनकी पावर स्विच को प्रेस करता हूँ और अभी आप देखना कि देखो कोई भी फ़ोन नॉर्मली ऑन होगा तो वो सीधा कंज्यूम नहीं करता 1.1 एम्पेयर। एक बार मैं फिर से यहाँ पे जब चिमटे के मदद से शॉर्ट करता हूँ, अभी देखो फिर से 1.1 एम्पेयर ले लिया मैंने, शॉर्ट किया हुआ है, मैं निकालता हूँ 0.0 हो गया। ठीक है, तो ये मेनली प्रॉब्लम इस डिवाइस के ऊपर आ रही है, और इस तरीके की प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है अब उसको हमको देखना है, क्योंकि फ़ोन जो वो शॉर्ट नहीं दिखा रहे जैसा कि आपने देखा। ठीक है, तो अभी हम कोई बात नहीं है, फ़ोन को हम यहाँ से कम्प्लीट पहले ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं इसका जो स्क्रू है वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ओपन करने के बाद यहाँ से सब कुछ बाहर कर लेता हूँ। देखो फ़ोन कम्प्लीटली पैक कंडीशन पे है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से सारा कैमरा निकालना है और मेनली इसका ये बैक केन पूरा ओपन करना है।
ठीक है, क्योंकि फोन काफी ज्यादा ऊपर साइड में हिट हो रहा है, बट इसके अंदर ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ये केन फाइनली ओपन करना है आपको, ठीक है। बात करें इसकी सीपीयू की, तो सीपीयू भी काफी ज्यादा हिट होता है, जैसे कि मैंने इनको चेक करा है, फिर मैंने जाके ये वीडियो बनाया कि आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो एक बार मैं सब कैमरा वगैरह बाहर कर लेता हूँ यहाँ पे, कि कैमरा पे कोई स्क्रेचेस वगैरह ना आ जाए। अब इसके केन को हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं। देखो भाई, मैंने अभी इधर का केन को ओपन करा है, जहाँ पे हमारी डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर छोटा सा ये इसको हम ग्लू वगैरह कह सकते हैं, जो कि हमारे फ़ोन को हीट करने से थोड़ा सा मतलब ठंडा करता है, ठीक है। चलो अब एक बार हम यहाँ से इसको हम सॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डायमंड मोड, सॉरी यहाँ पे बीप मोड के ऊपर मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और हम सीधा चेक करेंगे हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है, जहाँ से हमारी वीपीएच लाइन जो है वो आउट होती है, वहाँ हम पहले चेक करेंगे फ़ोन को, ठीक है। रेड में ग्राउंड कर देता हूँ और इधर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखो इधर मैं अगर यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये हमारा कॉइल है, जस्ट बगल में यहाँ पे भी एक कॉइल है, इसको भी अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कोई नहीं है। तो अभी गाइस मेनली हमको यहाँ पे चेक कर लेना है इसका जो ये ईएमएमसी आईसी है, या फिर इसको हम यूएफएस भी कह सकते हैं, बाकी ये मेरे हिसाब से न्यू मॉडल है। अभी ईएमएमसी है या यूएफएस मुझे आइडिया नहीं है, तो अभी ये पूरा पैक कंडीशन में भी है। तो अब इस कंडीशन पे यहाँ पे जो हमारी ईएमएमसी है, इसके बगल में कुछ कैप लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पहले हम एक बार चेक करेंगे। देखो गाइस, देखो यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, और इधर देखो इधर भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि डीसी मशीन पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, और अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो ज़रूरी नहीं है यही कैप शॉर्ट होगा, और भी जो है वो हम एक बार सही तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से चेक करेंगे, और एक बारी जो है यहाँ पे छोटे छोटे दो और कैप लगे हुए हैं, जो कि ये भी कई बार शॉर्ट होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये भी दिखा रहा है आगे से, ये भी दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइज मेनली हम यहाँ पे जो बड़ा वाला कैप है, इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरीके से। गाइस मैंने यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया है, देखो अभी भी यहाँ पे शॉर्ट है गाइस, ठीक है, अभी भी यहाँ पे जो है वो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है, कोई नहीं। एक बार ये छोटा वाला कैप को भी हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो देखो गाइस यहाँ से क्या हुआ, देखो गाइस यहाँ से क्या हुआ, अब हमारी यहाँ से शॉर्टिंग निकल गई है। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ से शॉर्टिंग निकल गई है, और जस्ट नीचे चेक करता हूँ तो यहाँ पे ग्राउंड लाइन है हमारी, आप देख सकते हो ये नीचे ग्राउंड लाइन है, और ये ऊपर वाली जो शॉर्ट ऊपर वाला जो जो लाइन ये भी शॉर्ट आ रहा था वो निकल गया है। मिला के अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ पे जो छोटा कैप लगा हुआ था, देखो ये जो छोटा कैप है वो यहाँ पे शॉर्ट कंडीशन पे था, ये वाला कैप, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे मैंने निकाल दिया है इसको बाहर। मैं इसको एक बार मल्टीमीटर पे रखता हूँ छोटे वाले कैप को, तो देखो छोटा वाला कैप यहाँ पे आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइक्रो है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके का। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, देखो इस तरीके से मैं अगर चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये चेक भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये टूट चुका है अंदर से, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से साफ वगैरह भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया, यहाँ से थोड़ा साफ कर दिया मैंने। एक बार फिर से मैं सही तरीके से चेक कर लेता हूँ, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोजिन पेस्ट डाल के इनकी जो बॉले हैं इनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि टच हो चुका है।
तो गाइस देखो यहाँ से जो है वो सॉर्टिंग अभी निकल गई है, ठीक है, यहाँ से सॉर्ट निकल गया, ठीक है। अभी गाइस मेन हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं इसको लगा के देखता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे गाइस मैं जो चार्जिंग केबल है तो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे इसको लगाया अभी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखो गाइस आप यहाँ पे देखोगे सेट हमारे यहाँ पे चालू हो गया, देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि पूरी की पूरी बैटरी डाउन है या फिर ये चार्ज हो पाता है कम्प्लीटली या नहीं, क्या होता है वो भी हम देखेंगे। मेरे हिसाब से बैटरी इसकी डाउन है, तो ये अभी सैम्बॉल बन के आ चुका है और यहाँ पे इसको ऑन होने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये जो सैम्बॉल है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा कि थोड़ा सा ये चार्ज हो जाए, ठीक है गाइस। तो आपने देखा फ्रेंड कि इस तरीके की जो ओवर हीटिंग डिवाइस है, जैसा कि इस फोन के अंदर आ रहा है, सैमसंग फोन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम सैमसंग के बहुत सारी डिवाइस में आ रही है, ठीक है। तो मदरबोर्ड के ऊपर कहीं पे जो डीसी मशीन है वो शॉर्ट नहीं दिखाएगा आपको, मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा हीट होगा। तो ये लाइन हमारे जो EMMC के जो EMMC या फिर UFS के जो लाइन में जो सीरीज में पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा होता है उसके अंदर शॉर्टिंग होने के वजह से ये जो है वो होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि वहाँ पे दो ऐसे कैप थे जो कि शॉर्ट आ रहा था, जैसा कि मैंने चेक किया, बड़ा वाला ठीक था, छोटा वाला जो था वो कैप शॉर्ट था और उसी के वजह से ये जो फ़ोन है वो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, ठीक है। फाइनली यहाँ पे जो ये सैम्बॉल बन जो आ चुका है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ USB चार्जर के ऊपर कि अभी क्या शो हो रहा है, तो अभी देखो यहाँ पे 1.8 शो हो रहा है। आप देखो यहाँ पे ये आप देखो 1.8 यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हमारा जो फ़ोन है वो अब चार्ज पकड़ लेगा, और जो कि पकड़ा हुआ भी है बट अब जो सैम्बॉल है 0% का वो आएगा। अब देखो 1.8 यहाँ पे लिया हुआ, जो कि उस टाइम ऑटोमेटिकली 1.1 ले रहा था, जो कि डीसी मशीन के ऊपर भी और इस एम्पेयर के भी ऊपर भी, ठीक है। यहाँ से देखो ये एम्पेयर फिर से हमारा रिज्यूम हुआ है और हमारे यहाँ पे फ़ोन की जो बैटरी है वो यहाँ पे 0% पे कनेक्ट हो चुका है, मतलब चार्जिंग हो चुकी है, इतनी हो चुकी है कि ये अब फ़ोन जो है वो हमारा ऑन भी हो जाएगा। खैर चलो एक बार मैं इस तरीके से फ़ोन को हम ऑन करते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉइंट होती है वो नीचे के ही होती है। तो एक बार मैं सेट को यहाँ से करता हूँ ऑन। तो यहाँ से गाइस मैंने इनके पावर की को प्रेस किया और देखो गाइस हमारा सेट फिर से चालू हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइव, ठीक है फ्रेंड। देखा आपने कि यहाँ पे जो सेट है वो हमारा कम्प्लीटली जो है वो चालू हो चुका है, जो कि फुल डेट कंडीशन पे था और शॉर्ट कंडीशन पे था। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सेट को ऑन होने का, उसके बाद हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेकेंड लोग यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा। फाइनल गाइज अब देखो कि यहाँ पे जो सेट है वो हमारा चालू हो चुका है, बैटरी कम्प्लीटली पूरी डाउन कंडीशन पे है और सेट हमारा यहाँ पे कम्प्लीट चालू हो गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन होने में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा समय लगा, मैंने वेट करा, मेरी लाइट भी चली गई थी और फिर से लाइट भी आ चुकी है, मतलब मेरे घर की लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा कई बार अंधेरा सा हो गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइस अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ इसके अंदर और चेकिंग करेंगे कि ये जो लाइन थी हमारी वो कौन सी लाइन है, एक बार हम इसको चेक करते हैं ऑन कंडीशन पर ही। तो मैं इसको अभी वोल्टेज के रेंज पे मल्टीमीटर को सेट करता हूँ और जिस जहाँ से मैंने कैप को बाहर निकाला है वो लाइन हम एक बार देखते हैं कि कितने वोल्टेज की वो लाइन है हमारी। देखो गाइस ये हमारी 2.8 की वोल्टेज की ये लाइन है, जो कि शॉर्ट थी और इसी के वजह से ये सेट डेड पड़ा हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये सेट ऑन कंडीशन पे है और जहाँ से मैंने कैप को रिमूव करा है वहाँ पे मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.8 या फिर 9 भी 2.8 जो है वो आप देख सकते हो, जो कि हमारे वोल्टेज रेंज के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये 2.8 लाइन हमारी मिसिंग थी, ये हमारी एक EMMC UFS की लाइन है, ठीक है, और इसी के वजह से ये जो फ़ोन है वो हमारा डेड पड़ा हुआ। तो उम्मीद है गाइस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।